It is so wonderful, really so hmm. wonderful to have you here. In fact, I'd say it's an honor for me. It's Thank you very much. It's an honor for me also. That I'm here. This a very respectable moment for me, really. लेकिन मैंने पहले कह दिया था अपने देखने वालों से कि मैं आज हंसने के मूड में तो हूं लेकिन फंसने के मूड में नहीं अच्छा अब... मैं भी इस मूड में नहीं हूँ हमेशा हंसाता हूँ फंसाता नहीं हूँ कराची तुमसे बहुत मोहब्बत करता है आ, कराची में तुमने बहुत सारी खुशियां बखेरी इनफैक्ट जब तक तुम यहां थे तो थिएटर जिंदा था कराची में लोग जाया करते थे थिएटर देखने को जाया करते थे आज मेरे शहर में उमर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि तुम क्या गए यहाँ से तो हमारी तो खुशियाँ रूट के चली गई कराची नहीं बल्कि पूरा मुल्क की मजमू सूरत हाल जो है वो आर्ट के मामले में कल्चर के मामले में कोई इतनी मजबूत नहीं है उसकी वजह यह कि हमारे कोई पॉलिसी नहीं रही इसके बारे में थिएटर के बारे में जितना थिएटर हमने किया वो सारा का सारा हमारा अपना था हमारी पर्सनल एफर्ट थी हमेशा से इवन दैन एडिटोरियम्स जो है वो हमने सनमा हाउसेस को कन्वर्ट करके थिएटर बनाया मैंने गवर्नमेंट को भी मशवरा दे रहा हूँ आपका वजह क्या, क्या है, मिलती रहती है। वो, इसकी क्या? जान वो कुछ चीजें होती वो अंडर कवर रहनी चाहिए कुछ तो बताएं हाँ वो शिक्षा देती हूँ मैं उनको सीखते हैं सबक सीखते हैं आपने तो जिंदगी में जन्नत कमा ली हाँ शोर के साथ ड्रामे करके है ना और और ये तुम्हारा पसंदीदा मौजू है मैं... मैंने तुम्हारे ड्रामों में मैंने तुम्हारे बहुत सारे ड्रामे देखे हैं अच्छा। और हस्बैंड वाइफ और मैरिटल जो रिलेशन uh, होते हैं उस पे द वे यू कामेंट ऑन दैट रियली आई थिंक इट इज़ सो सो हिलेरियस रियली थैंक यू बहुत मज़ा थैंक यू और तुम्हारे जो मज़े के मुझे लगते हैं ना जो uh, बहुत जो इन्जॉय करती हूँ वो जो खासतौर पर पी आई ए के हवाले से होते हैं <laughs> जहाज़ों के हवाले से बट यू बच्चू मारा देखिए पता क्या बात यह है कि आप घर से निकलते हैं सपोज hmm. आप hmm. चाहते हैं कि आप फ्रेश हो देखिए hmm. इसके अंदर कोई बात नहीं है hmm. कि फ्रेश होने के लिए जरूरी है. कोई कभी कभी कोई चेहरा ऐसा होता है जिसको देख के आप फ्रेश होते हैं hmm. अब हम जो देख रहे हैं वो मतलब उनको ग्राउंड पे भी नहीं भेज रहे हैं हालांकि hmm. उनकी उम्र अंडरग्राउंड की होगी <laughs> 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 you started your film uh, career with javed fazil yes yes mm, um, um, that was a, uh, i think hisab that was जब मैंने स्टार्ट लिया एक फिल्म की स्टार्ट आ रहा थिएटर तो मैंने 1975 में शुरू किया था लेकिन मैंने फिल्म पहले की थी जावेद फाजिल साहब की और वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं माशाल्लाह उनकी मैंने फिल्म की थी और उसके बाद फिर मैंने एज ए डायरेक्टर राइटर और एक्टर अपनी खुद फिल्म बनाई मिस्टर 420 92 में आई रिमेंबर दैट एंड दैट वाज द सुपर डुपर हिट आई रिमेंबर इट और उस पिक्चर के एप्रिशिएट होने में एक चीज का हाथ था वो थे हमारे वो ड्रामे जो वीडियो पे रिलीज हुए थे 1987 से, उस ड्रामों की 87 से लेकर के 91 तक उस ड्रामों की जो ऑडियंस बनी थी वो फिल्म देखने के लिए आई है ना मैंने सुना है कि तुम इंडियन फिल्म में काम कर रहे हो बल्कि डायरेक्ट भी खुद कर रहे हो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है पूरे नेशन के लिए कि उन्होंने मुझे एज ए डायरेक्टर राइटर और एक्टर लिया लेकिन मुझे ज़्यादा जो चीज़ आजकल आ, 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 डिस्टर्ब करती है उमर वो ये कि थिएटर के साथ साथ हमारी सिनेमा हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी मौत के दौराहे पर खड़ी है उसकी वजह क्या है उसकी वजह भी मैं इंडिया में देख के आया हूँ कि उसकी वजह मैंने बाहर के मुल्कों में भी देखे यूरोप कंट्री में चले जाए अमेरिका चले इंग्लैंड चले ये सारी वजूहत वहां भी देखी मैंने कि यार हमारे सिनेमा में लोग क्यों नहीं आते हैं वजह क्या नजर आई कि सिनेमा का माहौल अब देखिए इंडिया में भी चले जाए इंडिया की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब हमारे यहाँ मिसाल जब भी दी जाती है वो इंडिया से दी जाती है तो मैं भी वही दे रहा हूँ कि वहां पर जो सिनेमा हाउसेज हैं वो शॉपिंग मार्केट के अंदर ही बना दिए उन्होंने अब दो घंटे अगर पहले कोई चला जाता है तो वो शॉपिंग मार्केट में सेंटर में घूम रहा है, उसमें तमाम चीज़ें हैं रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स हैं तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं इवन देन उसके अंदर पार्लर्स भी हैं समझ गया अब वहां पर एक आदमी फिल्म देखने जाता है माहौल भी मिलता है घूमने फिरने की भी जगह है बैठने की भी जगह है छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं हमारे यहाँ सिनेमा है तो सिनेमा ही है Hmm. तुम प्लीज इस गवर्नमेंट की जरा इस चीज कराओ उमर के वहाँ बनाए। सिनेमा बनाए बनाए मैं तो कहती हूं। फिर मुझे ही के लिए। के लिए। अच्छा, तो देखेंगे आपको देखेंगे नहीं मेरी जान हम इकट्ठे लोग नहीं होगे ना नहीं नहीं मैं नहीं हूँ इस मामले में बहुत आगे हूँ And think that I am you. Umar, you are not only the, uh, just the king of comedy in this country, uh, in fact I would say in this part of the world, but you from films to television to theatre, you have been writing for theatre, television, films, you have been directing for all these three mediums, you have been acting. इन ऑल दीज थ्री मीडियम्स अभी मैंने सुना कि आप कॉम्पोजिशन uh, भी बना रहे हैं म्यूजिक डायरेक्शन भी कर रहे हैं मेरी पिक्चर दिल में कोई रहने लगा उसकी म्यूजिक भी मैंने दी है लिखे भी मैंने नहीं है गाने सारे हुँ. तो ये भी एक कोशिश है हुँ. ये अगर टैलेंट है हुँ. खुदा का दिया हुआ तकरीबन कोई पंद्रह एक फील्ड है जिसमें मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ आयुष रूहानियत से कोई लगाव कोई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है अच्छा बहुत ज़्यादा है और इसमें मैं बिलीव बहुत करता हूँ क्योंकि अगर किसी बंदे के अंदर रूहानियत नहीं है ना तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बंदे बिला वजह दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं तीन चार साल की उम्र पर चल गई ये अबू हैं ये अम्मी है उसके बाद आना आपके हाथ में नहीं है लेकिन जाना आपके हाथ में है कि आप इस तरह जाए कि दुनिया कहे कि यार ये क्यों चला गया ये जो आना जाना है ना ये बनाना होता है इंसान में जाना बनाना है